जय हिंद। पॉइंट टू पॉइंट की सीरीज में आज हम देखेंगे कि भारत देश के 25 हाई कोर्ट और उसी के हिसाब से ज्यादा मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी हजारों की संख्या में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पे कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिसने बाजी मार दी है, जिसने देश का सबसे पहला पेपरलेस डिजिटल, क्या है, पेपरलेस डिजिटल कोर्ट बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो खबर आई है ये कहां की है, ये है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में कहां की, नवी मुंबई की, नवी मुंबई के वाशी जिले की, कहां की है, नवी मुंबई के वाशी जिले की है। और मुंबई हाई कोर्ट के जो जज है, क्या नाम है, गौतम पटेल, क्या नाम है, गौतम पटेल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया और साथ साथ में बधाई दी। और इन्होंने कहा कि जैसे ही ये वाशी जिला अपने आप को भारत में रिप्रेजेंट कर रहा है, पेपरलेस डिजिटल कोर्ट बन रहा है, इसी के तर्ज पे लोग अब आगे आएंगे और पूरे देश के जो कोर्ट है वो भी अपने आप को पेपरलेस और डिजिटल बनाएंगे, जिससे जो पेपर की खपत है वो कम होगी और हम ग्रीन नेचर की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो इंडिया का टारगेट है 2070 तक, कब तक है, 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का, उसको हम गेन करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह पॉइंट टू पॉइंट की सीरीज में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।